वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। तो सीन ऐसा है कि मैं 4:30 को उठा, फिर जॉगिंग को चला गया। ठीक है, मतलब मैं सोच रहा था कि आज सनराइज़ का बहुत अच्छा एक टाइम लैप्स लूँगा, तो आज ही क्यों बादल आ गए, मतलब बारिश का मौसम, मतलब बारिश होने वाला है, ऐसा सीन है। अभी बारिश होने वाला है, देख सकते हो आसमान में पूरा बादल ही बादल है। मैं सोच रहा था कि एक टाइम लैप्स लग के मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाऊँ, सो वो पार्ट, मतलब वीडियो का प्लान मेरा जो है वो गया। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं यार डेली ब्लॉग्स डालूँ, लाइक जो ब्लॉगर्स डेली जो ब्लॉग्स डालते हैं ऐसा, तो आज से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पूरा रेडी हो गया। अभी मैं टाउन जाने वाला हूँ, देख सकते हो। तो टाउन में कुछ खरीदना है, तो टाउन में कुछ खरीदने इसलिए जा रहा हूँ। साथ में मेरा एक दोस्त आशिक है, वो भी जाने वाला है, तो उसको लेके चलते हैं। तो गाइस, तो मैं जा रहा हूँ फिलहाल टाउन के लिए। तो आगे मतलब एक दोस्त जाने वाला है आगे, तो मैं उसको वहाँ से पिकअप करके हम दोनों साथ में जाने वाले हैं। फाइनली हम एंटर कर चुके हैं अपना टाउन नलबारी। तो ये वाला बात जो है आप लगभग हर वीडियो में देखते ही हो, सो इसलिए इसको मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा और मैं डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे आपको मिलूंगा। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ इस दुकान पर अभिनंदन बोल के। स्पेशली रानी का एक मुझे मतलब शॉट होता है ना, वो लेने आया हूँ। तो उसके अंदर में जाऊँगा, मतलब वही घर के लाएगा मुझे जाने के लिए, मैं भी कैसा रहूँगा, इसलिए तो उसको लाया हूँ। मतलब सब ठीक ठाक हो, पहले मतलब पहले से वो खरीदा था, इसलिए मैं उसको लेके आया हूँ। तो मैं वो कलेक्ट कर लेता हूँ, देखता हूँ मेरा साइज का क्या है या नहीं। मेरा जो खरीदने का काम था वो तो मैं खत्म, जो वो कुछ लेने गया था क्यों नबली, तो उसका काम नहीं हुआ, खुद जब ही जाए तो वैसा है कि मैं 30 मिनट पहले घर पे हो चुका है, फिर नहा धो के खाना वाना खा लिया। तो बेसिकली मैं वो एक शॉर्ट्स लेने गया था रानी के लिए, तो वो आते वक्त मैं एक फील्ड पे रुका, तो वहाँ पे रानी दिखे, कुछ से बातचीत किए, तो वहाँ से वापस आ गए। तो अभी मैं वो स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ठीक है, हाँ, दो आज से लगभग 2 साल की पहले की बात है। आशिक जिसके साथ गया था मैं अभी, एंड राहुल एंड मैं तीनों गए थे गुवाहाटी। तो वहाँ पर आशिक का फ़ोन जो है वो तो हो गया गुम, तो आया सही, वो फ़ोन तो नहीं मिला। फिर खा रहा आके यहाँ पे सबको बताया उसका फ़ोन खो गया, उन्होंने खुद बताया। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई उसका बात मानने को तैयार नहीं, मतलब उसका इमेज ही ऐसा है कि सब लोग बोल रहे हैं वो फोन को बेच दिया हुआ पे घुमा नहीं। अगर वो बात लग, अगर वो बात आज 2 साल बाद भी निकले, तो वो सब लोग ऐसा ही बोलेगा कि उन्होंने फोन जो है वो उन्होंने फोन को बेच दिया, क्या बताओ। तो मुझे वो स्टोरी याद आ गया, सो इसलिए आज से, तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर लो यार।